लो बैठो बैठो गोपाल दा। अरे भाई कहाँ बैठा, अभी तो चाय पिए, यूज भूख मरी गई, पाछी रोटी भी खवाने लागी क्यों? भारी यार तू भी गेलिया बनाई रही हो। अरे काय को गेलियो बनाया यार गोपाल दा, वो तो सलाद कट रही थी जैसे रोक रखे था तुम्हारे मैंने। बैठो बैठो रोटी खाएगा। हाँ भैया, ओ भैया ना आई जाओ, रोटी खाई लो, अभी तो चाय पी इन पाछी रोटी भी खवाने लागी गया। अरे ये उस्ताद है आप जाना कम खाएगा, सब समझी जावा हम भी। नहीं नहीं हंसो, अरे हंसो कही, एक काम करांगा अपन। हाँ ये देख, जितनल बा का दो बिट्ठा है और ये जमीन का कंडा, इनमें से 8-10 कंडा हेड़ के आने नंग से भाग लागा। ले कोई नहीं आई नहीं जब तक अपन कंडा जमाला यार। क्यों रे कहीं कर रहे हो? क्यों रे, मैं नया साल की पार्टी का लाने एक कंडा भेला कर रहे हो और तुम कंडा चोरी करने आ तुम्हारी की तो रे। अरे नहीं नहीं नहीं, ओह नो, अरे बाप रे, अरे अजय तेने तो बहुत मारियो रे अपने। अरे बहुत मारियो रे, मार तो आसो लगे, अब कंडा नहीं मिले अपने। दानु के राजू सेठ गोपाल दा आएगा नी, उनके तो दाल पूरी घड़ा देंगे अपन। तो अरे जितेन भाई रुको, अरे नहीं मारो, रुको तो खड़े। अरे भैया अब कहीं है यार, मत मारे यार भैया, अब चोरी नहीं करेंगा। अरे जितेन भाई तुमने इतनी मार खाई पर अभी तक तुमने मारे याद नहीं बताई तुमने कंडा चोरी क्यों करा था। अरे भैया विशाल अब थारे कई बताए, काल राजू सेठ गोपाल जा रहे अपना गांव में, तो उनके लिए दाल बापले को हम प्रोग्राम रख रहे था जैसे हम कंडा चोरी कर रहे था, पर भैया अब हम उनके नहीं पूरी दाल खड़ा देंगे पर कंडा चोरी नहीं करेंगे मार जी मती। अरे तुम वो सब बात छोड़ो, अभी नहीं मारो, टेंशन मत लो, पर सही बताओ कोई अपना गाँव में राजू सेठ गोपाल दारे पार्टी करने? अरे भैया वही पार्टी देवे नहीं आ रहा है, पार्टी हमसे लेवे आ रहा है। अरे तो तुम अच्छा पागल है यार, वहां से पहले कहता नहीं कितना कंडा चाहिए था, मैं मार तो नहीं मैं। अरे तो भैया तूने इतो मौके कहा दियो, तू दे भाई तो लग गो हमार में यार। अरे हाँ सब ठीक है, पन तुम तो मुझे बताओ कितना कंडा चाहिए, मैं लाके दूंगा सब। सही में तू ला दे तो 10-12 कंडा ला दीजिए भैया। हाउली अम्मन तुम तो जाता हो कच्चा है। अरे काल दनु के चाहेगा भैया, हम थारे फोन लगा देंगे 10-12 कंडा लेके आ जाए यार अपना कुआपे। अरे तुम तो बस माकर एक बार फोन लगा दू, मैं कंडा लेके भैया जम्मा। हाँ 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 भैया। अरे अजय अब जग व्यवस्था हुई कंडा की, अब हनी अपन दूसरा सामान की व्यवस्था करांगा। चल हाँ चलो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुन रहे अजय, पार्टी की पूरी व्यवस्था हो गई है, अपन अपना खेत पे खाने पीने को पूरा सामान रखा है, बस उन्हें विशाल कने कंडा के लिए फोन लगाने की देर है बस। और सुन तो राजू सेठ गोपाल दा के खानो खिलाने का बाद अगर टाइम बचेगा नहीं तो अपने यहाँ को किलो दिखाएगा उनके, और वही भी याद रखेगा कि जितेन भाई और अजय भाई ने कहीं किलो घुमाया तो। हाँ। ले चल चला, लेट हो रही अपन। जय भोलेनाथ। सुन रहे अजय, अब अपन असो करा। हाँ। विशाल के फोन लगा दा कि वो 10-12 कंडा लेके अपना खेत पे आ जाएगा। हाँ, हाँ, लगाओ, लगाओ। फोन लगा दू कने। हेलो विशाल, राजू सेठ गोपाल दा से बात हो गई हमारी, वो आ रहा है तो तू 10-12 कंडा लेके अपना खेत पे आ जाजे। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हमारी हो गई विशाल से बात। हाँ। वो आ रही हो 10-12 कंडा लेके अपना खेत पे, और अब अपन वहां चला जा, राजू सेठ गोपाल दा के पत्तू दियो तो। हाँ, चल अरे विशाल इन्हें गा तो। हाँ जितेन भाई रुक जा, ट्रेन हिट जान दे फिर बताऊं थारे। क्यों रे मैं हंसी कह रही हूँ, इन दोखे क्यों लाओ तू? अरे तो जितेन भाई 12 कंडा वहां से चलता कहीं जैसे लाओ उनके। अरे तो जितेन भाई तुम उनके क्यों डरा रहे, कल तुम मारा घर घी लेने आया था नहीं, मैं जरे तुम्हारे पे शंका हो गई थी, और आज सुबह से विशाल भाई ने कह रही तुम्हें खूब पाल्टी है। अरे हाँ हाँ ठीक है। अरे जितेन भैया ने मार से भी झूठ बोल रहा था। अरे हाँ हाँ मैं तुम सबसे झूठ बोल रहे थो, क्योंकि मैं वहाँ नहीं फालतू की भीड़ इकट्ठी करना नहीं चाह रहे थो। अब सुन लो, तुम सब जा तो रहा है पर हम किसी भी चीज से हाथ नहीं लगाएंगा, दाल बाफले तुम्हारे बनाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ जितेन भाई तुम तो घबराओ मत, मैं इनसे नहीं खुटा के लाओ कि तुम्हें वहाँ चल के काम करना पड़ो, पर तुम का जाओगा अब? अरे हम है राजू सेठ गोपाल दा के लेबर जा रहा है, जब तक हम आए नहीं जब तक पूरा काम कम्प्लीट कर लीजो, हम है उनका सीधा खेत पे लेके आएगा। हाँ ठीक ठीक जितेन भाई, तुम लेके आओ उनके, हमको आप पहुँचा। चलो रे चलो। Hey! 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 Hey!
सुन रहे जे हाँ। मैंने उनके यही कालाईपल रेलवे स्टेशन को पत्तो दियो थो, बस उनकी गाड़ी आने वाली होगी हाँ। उनके लेके अपन अपने क्वापे ले ही चलांगा। हाँ हाँ ठीक ठीक। कणा कब तक आएगा यार जितेन भाई? अरे अभी फोन लगाओ तो कि फाटक पे तो आ ही गया यार भी। हाँ आता होगा जब तो। अरे आवारे दिखे हाँ। यही गाड़ी है उनकी। हाँ हाँ हमारे बसों लगे यही गाड़ी है उनकी। अरे रोक लो रोक लो, रोक लो रोको रोको रोको। राजू सेठ जय राम। अरे गोपाल दा। अरे वाह यार रुपा है। और भी हाँ है नहीं वो है। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। ओह नो। बस। अरे गोपाल दा ये तुम्हारी गाड़ी है कि माल गाड़ी? इतनी सवारी भर के कैसे लाया होगा तुम यार? और या तो बताओ तुम इनके लाया कहाँ से? बात दिया है जितेन कि हम इंदौर से निकलिया था तो ये भाई ना मिली गया रास्ता में तो इन्ना हाथ दे दियो तो ये कही थम कहाँ जा रहा था? हमने क्यों काला पीपल जा रहा था? कही हमारा भी वहाँ जानू तो हूँ इनके बैठे ही लायो। अच्छा। अरे अच्छा कही एक तो डिक्की में है वो कस निकाली उन्नी। ओ भाई निकल निकल फटाफट। भाई साहब तुम्हारा धन्यवाद। कभी तो मैंने दो सेकंड बाद खोलता नहीं ना गेट के तो हमारी तो लाश ही निकलती है मैं से। अरे कहीं मैंने बोलियो तो कहीं घुसना को थमीज घुसिया था एक में जबरदस्ती। अरे गोपाल दा ये सब बात छोड़ो यार तुम तो इन्हें गाओ। तुम यही रुको जब तक मैं इन सबके मुकाम लगा के आऊं। अजय तू यही रहिए। सुनो रे तुम सब इन्हें गाओ। और तू सुन रे तू यह बता बस से आतो के ट्रेन से आतो? यार भाई साहब मारो तो वैसे भी बस में जी घबरा है मैं तो ट्रेन से ही आतो। अच्छा और क्यों रे तुम सब कहाँ से आता? ट्रेन से आता। ट्रेन से आता तुम्हारे या तो बताओ ट्रेन में कितना किराया लगता तुम्हारो? 100 रुपया लगता और कहीं। 100 रुपया लगता नहीं तो लाओ 100 रुपया उनने भेजो मारे। ओह नो मर वजन तूने खास किस ट्रेन चला थारे गाड़ी भरी थी एक तो कुचम बीच में बैठ के आया परेशान हो गया। दीजो तुम्हारा पैसा तू ही दीजो। और आ धोनी रे कहीं घुसर घुसर कर रिया? ले भैया दे रियो यार दो जल्दी 200 रुपया था बाटा कब दे रियो है ने? ले भैया लो महाराज लो। अरे यार यो हुई और कहीं कर रियो? ओ जितेन आई आई नी। हाँ गोपाल दा आ रियो अरे अलग और जाओ सब अपने अपने घरे। हाँ गोपाल दा। अरे वी तो थारा यहीं का है यार मिल तो रहे बाद में। या बता प्रोग्राम कहाँ रखियो था ना? प्रोग्राम प्रोग्राम में यहाँ से थोड़ी सी दूर है गोपाल दा पैदल पैदल चलना पड़ेगा अपने गाड़ी नहीं जाएगी अपनी वहाँ। चला फिर। हाँ चलो चलो। अरे संजो आई आई जाओ चलनू है वहाँ पैदल चलनू है गाड़ी नहीं जाएगी। गोपाल दा चलो मेरे मेर थोड़ी दूर है अपनो घर। थोड़ी दूरी जे? हाँ थोड़ी दूर बस। अरे अजय तू इन्हें का सुन तो पार्टी को आधो खर्चो हिड़गो अपनो। अरे नहीं यार जितेन भाई ऐसे कैसे हिड़ लिया तुमने आधो खर्चो? अरे गोपाल दा इंदौर से सबके गाड़ी में बिठा के लाया था नहीं उनसे सबसे 100-100 रुपए ले लिया मैंने। अरे जितेन भाई थोड़ा धीरे बोलो उनके सुना जाएगी। चलो चलो चल चल। अरे चलो चलो यो आगो अपनो घर और यो अपनो को यहाँ दाल बाप का प्रोग्राम रखे अपन ने। चलो चलो। हाँ चलो। आओ गोपाल दा। आओ आया। आओ क्यों रे बता नहीं मारा कहीं कहीं बनायो? आओ बताऊं यार रखी सलाद। हाँ और ये बापलिया। अच्छा अच्छा और यह है दाल। अरे वाह वाह क्यों ना मारा लड्डू का है? लड्डू ये रखे लड्डू। अरे
अरे वाह 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 यार। अरे गोपाल दा थोड़ी सबर कर लो यार, मैंने गिनती का बनवाए कम पड़ जाएगा फिर। अरे लो गोपाल दा चाय आ गई, चाय पी लो तुम तो। चाय पी लो? हाँ चाय पी लो। क्यों रे फिर रोटी कब खाएगा? अरे गोपाल दा अभी तो सलाद कट रही है, टाइम लगेगा थोड़ा, इतने चाय पियो यार। अच्छा अभी कटा को हनी? हाँ? चलो चलो लो चाय पियो भैया उन सब। लो सेठ जी। अरे तमी नंगाव जीतेन भाई, अरे एक बात समझ में नहीं आया, जब दाल बाफले तैयार था तो इनके चाय पिड़ा बेक की जरूरत थी अब? अरे बेंडी औलाद। ओह नो। अरे मैंने चाय अकेले पी ली कि अपना लड्डू बाफले बच जाएगा। लड्डू बाफले बच जाएगा, वो कैसे जीतेन भाई? वो ऐसे कि अभी अपन ने चाय पी ली, चाय पी के इनकी भूख मर जाएगी और ऐसा कैसा अपन इनके रोटी बिठा देगा तो रोटी कम खाएगा ही। अरे वाह यार जितेन भाई बहुत बढ़िया। लो बैठो बैठो गोपाल दा। अरे भाई कहाँ बैठा, अभी तो चाय पिए यूज भूख मरीगी, इन पाछी रोटी भी खवाने लगी क्यों? भारी यार तू भी गेलिया बनाई रही हो। अरे काय को गेलियो बनाया यार गोपाल दा, वो तो सलाद कट रही जैसे रोक रखे था तुम्हारे मैंने। बैठो बैठो रोटी खाएगा। हाँ भैया। ओ भैया ना आई जाओ, रोटी खाई लो, अभी तो चाय पाई इनने और पाछे रोटी भी खवाने लगी क्या? अरे ये उस्ताद है आप जाना कम खाएगा, सब समझी जावा है हम भी। नहीं नहीं आसो, अरे तो कही अरे रोको रोको रोको, एक काम करांगा अपन। हां अपन खाई लो लड्डू बांध ली जलांग बच्चेगा दिन। हां रास्ता में खाएंगा हम, हां रास्ता में खाएंगा। अभी यहां खवाई रियो, अभी मीठी चाय पी गई थी और मीठा लड्डू खवाई रिया, लड्डू लड्डू बांधागा ये बाफलिया नहीं बांधा। हां हां बैठो बैठो। अरे गोपाल दा तुमने अभी खाओ तो सही है यार, कम पड़ जाएगा छोरा उन गंजे यार। अरे तू धीरे की नहीं यो बोल, अभी तो हूँ यहाँ खाई लुआन, जेका बाद और ली जाना है बांधिन मारा है, कम कैसा पड़ी जाएगा? छुड़ाउन तुम रेंदी जोरे लड्डू अड्डू मत खा, जो इनका गले बांधना पड़ेगा यार। रख रख। वाह यार भाई ना तुम बहुत उस्ताद हो, हने बहुत चालू आदमी निकली गया यार, इतना बाफलिया बचे लिया, इतना लड्डू बचे लिया, हमारे रोटी खाने की टेम पर चाय पीवे दिन तुरंत कही की रोटी खाई लो अन ये सब बची गया अन हमारा कहीं खवाणू जाए नहीं। अजय कुछ समझा? अरे यही तो चाल थी अपनी, इन लोगों को चाय इसलिए पिलाई थी ताकि ये रोटी कम खा सके, और अब देख कितना लड्डू बाफले बच गया है, तीन चार दिन तक खाएंगा इनके। बिल्कुल सही। कई इतना खुश हुई है हमारा कई पागल समझी रहा है, थम कि तीन चार दिन तक खाऊंगा ये बाफलिया, हम थमारे एक टाइम भी नहीं खानदा। चल उठा रहे राजू ये सब लड्डू बाफलिया सलाद, अपन रतवाई खाएंगा सांझ के। गोपाल दा मत करो असो, गोपाल दा मत करो गोपाल दा। अरे गोपाल दा, अरे बर्तन तो दे जाओ हमारा। दोस्तों इनका वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और इनका चैनल का सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है ये। या जो काली काली बटन दिख रही सब्सक्राइब की एक दबा दो जेमो को सब्सक्राइब, और जो हम नया वीडियो बनाएंगा नहीं वो सब तुम्हारा कने जाएगा।